अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज हसन चौधरी और थ्यून एंड समथिंग हॉट दिस इज हॉट बाय सासलम आमना वालेकुम हसन आप धोखा दे गए आज हैं? मैंने क्यों धोखा दिया आज आपने कलर कोऑर्डिनेशन नहीं की मेरे साथ ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग वो है आपको लगता आपके कंपलिमेंटिंग कलर्स है कंपलिमेंटिंग बिल्कुल नहीं क्या कहते हैं उसको कॉम्पेमेंटरी कलर वो कहते हैं ना एक वो है क्या है? बड़ा देसी एक वर्ड वो बड़ा वो

जो कुछ आता है बनाना भी, उसके मुताबिक आपको मिलता रहेगा हाँ। आप आपके हाथ हाथ की बनी हुई चीज खाई नहीं मैंने कभी खिलाई खिलाई आप। <laughs> हो आपने भी। के हाथ के बने बर्गर मैंने वो हाँ। बहुत शवरमा बना से बेहतर शावरमा बना अच्छा चले है तो फिर हाँ, भी बना ले। हाँ। भी ट्राई करेंगे लेकिन आप के हाँ। भी बहुत खाना बनाता है। अच्छा मुसा देना है। मैंने में खाना टॉपिक है और कुकिंग अच्छी होती है हम भी जब रहे आठ नौ दस महीने आठ नौ तो नहीं ग्यारह बारह महीने जब

इतना सा होता है ब्लेंडर जिसमें आप बेरीज डालते हैं वो हेल्दी स्मूदीज़ के लिए वो ना बड़ा अच्छा रहता है तो मैंने मुर्सा से भी पूछा कि हम खरीद लें हाँ. न्यूट्री बुलेट ब्लेंडर कहते हैं वाए अम्मा तो मैंने सोचा बाए मुझे ऐसा लगता है रमज़ान ड्रामे देखने के बाद कि मेरे जो दिमाग के जो पुरजे हैं ना <laughs> वो किसी ने न्यूट्री ब्लेंडर में डाल के ना ब्लिट्स, ब्लिट्स किया है और ऐसा ऐसा वो मर्च बनना शुरू हो गए हैं आई एम अनफॉर्चुनेटली नॉट इन्जॉइंग एनी not one of them. neither of them mean. not none one of, of them none of them none of them no पहले तीन एपिसोड्स में मुझे लगा था कि दो बेहतर हैं मगर जब मैंने अगली दो एपिसोड्स देखी हैं तो तो चांद तारा आ, और ये जो है हीर द हीरो ये भी आपको नहीं भाए और फिर वो जो है फेरी टेल और मैं अब सोच रही हूं लोगों ने इतना रेकमेंड किया तो फेरी टेल आई विल गिव इट अनदर ट्राई आई विल आई माइट वॉच इट एक्जेक्टली एक्जेक्टली आई विल लोगों I... ने बहुत इंसिस्ट किया आपने सर्च किया है तो तो विल सी कि हमारी अपनी जो एक सिक्स सेंस या इनिशियल एक होता है वो खराब गलत था देखिए <imitan> मेरा जजमेंट का बेसिक ये था दैट द लीडिंग गर्ल वाज रियली इंटॉलरेबल हर कैरेक्टर तो अगर वो कैरेक्टर डिफ्यूज हो गया है और बेहतर हो गया है तो हो सकता है उसमें पोटेंशियल हो देख लेते हैं <imitan> और दूसरा ये कि भाई तेरे आने से के बारे में किसी ने नहीं मतलब सिवाय एक दो लोगों के रेडियो साइलेंस हाँ तेरे आने से के बारे में सबसे कम हमें ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि आपके साथ शेयर करनी चाहिए इंसाइल तो तेरे आने से के बारे में बिल्कुल ना होने के बराबर कोई फीडबैक आया दो चार लोगों ने बोला कि जी हम इन्जॉय कर रहे हैं और ये वाला जो है अमर और इमरान वाला हीर द हीरो वो कुछ ने कहा हमें पसंद आ रहा है कुछ ने कहा जी हमें नहीं पसंद जी, उसका ऐस भी रिएक्शन लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं हुई नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कॉमेंटेड जी बट ज्यादा बात जो चांद तारा की और फेरी टेल की। जी, मेरे ख्याल है मैं भी शायद फेरी टेल और देखूं यू नो you know, मैं एक्चुअली मैं अपने तौर पे ये कहना चाहूंगा मैं हीर द हीरो को इन्जॉय uh, कर रहा हूं पंजाबी ह्यूमर है पंजाबी जोक्स हैं तो मुझे वो अच्छा लगता है, है। मैं एंजॉय कर रहा हूं ठीक है मैंने कल भी उसकी किस देखी वो फनी थी एंजॉयबल जी मैं नहीं कर रही आप नहीं कर रही इंजॉय थी। ठीक है that's I can good. appreciate it. I can appreciate the good things about it. As any can be okay, it's trash. Who will I wouldn't call any of them trash. I think it's very disrespectful to call something trash. But the thing is that not my cup of tea. It's too too loud. पिछले साल जब चौधरी इंसान <coughs> शुरू हुआ था तो तब आपका यही सारा हाँ, और तब मेरे ख्याल में आपके लिए जो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है सुहेल अहमद साहब की परफॉर्मेंस आपको बहुत आपने उसको इंजॉय करना शुरू जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो इस मैंने इमरान इमरान अशरफ की की भी आपने परफॉर्मेंस तो इस केस में भी द हीरो में इट इज़ एक्चुअली मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस ड्रिवन तो मुझे जैसे थी। थी। वसीम अब्बास साहब का किरदार जो है मुझे बहुत क्यूट लगता है मुझे उनके सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं स्पेशली उन्होंने जो लाहौरी एक्सेंट टे वाला जो पकड़ा है उन्होंने वो मुझे बहुत मुझे वो मैं इन्जॉय करता हूँ उसको उनकी परफॉर्मेंस को और एक रैम्बो साहब उनके मुझे अच्छे अच्छे लगते हैं तो वो एक है एनीवे anyway, तो देख लेते हैं आप लोग भी अपना फीडबैक देते रहे फ्राइडे को हम आ, जो अगला रिव्यू अगर कर... कोई इंसान ओवर एक्टिंग की दुकान लगाना चाहे ना तो ये चारों में आपको सब कुछ मिलेगा हाँ। ये तो स्टॉप शॉप है जब सुनो चंदा में हम इकरा अजीज की मुझे याद आता है हमेशा हम रिव्यू में बात करते थे तो वो तब से स्टेब्लिश हुआ है कि पता नहीं क्यों हर रमजान ड्रामे का हर कैरेक्टर जो है वो पे स्टीरो बिल्कुल 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 ऐसा ही है ऐसा ही है। तो ये है। अच्छा और एक हफ्ता हो गया आपने जी रमजान को देखें कितनी तेजी से वक्त गुजर बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। है भाई ये मैं सोच रहा था तो सातवां रोजा होगा माशाला। माशाला एक बहुत तेजी से टाइम ठंडे भी हैं रोजे क्योंकि हवा भी चल रही है और लाहौर में तो ठंड है मंथ तक फोरकास्ट यही है ठंड रहेगी देख रहे होंगे बारिश वारिश बिल्कुर, बिल्कुर, बिल्कुर। तो अच्छा जा रहा है और उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छा को? जुनो को। जुनो सारा काम उसने किया है सारे घर की सफाई उसने की है और फिर थक हार के रोजे में वो लेट गया है क्योंकि उसका खाना पीना बनता है तो ये रमजान स्पेसिफिक है जूनू का आजकल तो बहुत ज्यादा हुआ है अच्छा अदरवाइज हाँ है, मैंने cat. एक बड़ी क्यूट सी वीडियो देखी वो टर्की में आपने पता नहीं देखी है नहीं देखी वो एक साथ बैठे हुए और पांच छह बिल्लियां बिल्लियाँ बैठी हुई सामने हाँ. तो उनको खुतबा दे रहे हैं वो क्यूट <laughs> बड़ा मुझे अच्छा लगा पता नहीं वो कुछ बोल रहे थे टर्किश में कुछ बट वो ऐसा लग रहा है कि वो सारी बिल्लियों को रमजान शुरू होने परिसनिंग टू दैट पर्सन कैट लिसन यू नो इट्स सो स्ट्रेंज उस दिन जिस दिन रात को पी का जलसा हो रहा था तो रात को कोई डेढ़ दो बजे इमरान खान की स्पीच शुरू हुई तो मैं कमरे में जा चुकी थी और टी से दूर थी तो मैंने लैपटॉप पर लगा ली स्पीच मैं तो साथ साथ काम कर रही थी अपनी गलमारी ठीक कर रही थी स्पीच लगी हुई थी थोड़ी देर बाद जूनो जो था वो बिस्तर बैठ के जैसे कि कोई इंसान नहीं बैठ के सुन रहा होता बल्कि मैं वीडियो दूंगी मैंने बनाई मुर्ता को भेजी अलग शाहरुख के लगाए ऐसे वो सुन रहा था ऐसे कंसंट्रेशन के साथ के... <laughs> <laughs> क्यूट। तो cats... हिस्सा डालना तब्दीली में <laughs> एनीवे वे जरा आज हम इकट्ठा हुए हैं गप्पे लगाने के लिए वैसे तो आपके साथ मेरा ख्याल है, है।, है हमारे पास ठीक ठाक तीन सीरियस टॉपिक्स हैं लेकिन हमारे पास टॉपिक तीन है चार हैं चार टॉपिक्स हैं हमारे पास आज उनमें पहला टॉपिक है पता चला है जी जावेद इकबाल जो है वो सेंसर्स को रीसबमिट होने जी, जा रही है जी। और ऐसा लग रहा है कि फाइनली दिस फिल्म विल बी रिलीज तो ये क्या डिवेलपमेंट हुई है एक दो आर्टिकल्स छपे डॉन इमेजेस ने एक आर्टिकल किया एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल दिया वहाँ पर काफी इन्फॉर्मेशन थी अबू अलिया के कोर्ट्स भी थे तो हमने खुद उनसे राबा फिर नहीं किया क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मिली गई दोनों तो आर्टिकल से वो आपके साथ शेयर करेंगे इनकेस आपको नहीं पता चला फिर जी आमना एक मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि फिरोज खान और मुनीब बट दोनों ने इनिशियली एक पिक्चर अपलोड की और फिर अपनी अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटमेंट्स पोस्ट की जहाँ पे दोनों ने कहा जी कि फिरोज खान ने माफी मांग ली अपने जो उन्होंने नंबर्स लीक किए थे मुनीब बट ने भी कहा जी हमने केस विड्रॉ कर लिया एमन मिनाल और एहसन उन तीनों ने भी, तीनोंने पोस्ट भी ये क्या हुआ इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लोग क्या कह रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे दो और टॉपिक्स हैं रमजान ट्रांसमिशन में आए गैस से रिलेटेड एक मुनीब बट जो एक्सप्रेस की रमजान ट्रांसमिशन में आए रानम के साथ रमजान प्यारे रमजान में वहाँ पे मुनीब बट ने कमेंट किया जी के हमारे घर का रूल है कि वहाँ पे खाना सिर्फ हमारे घर की बनाई जी उसके ऊपर कुछ फीडबैक आया लोगों का रिएक्शन है मैंने आपसे रिक्वेस्ट की आप पूरी क्लिप देखे, जी मैंने देखी पूरी क्लिप देखी पूरी क्लिप आपने भी देखी मैंने भी देखी तो उसके ऊपर मैंने ये आप... भी सुना कि उनके घर की फटी हाँ, वो, वो, वो भी सारा फिर जब खाना बन रहा था वो भी देखा मुझे तो वेरी गुड वेरी गुड एक वो टॉपिक है तो उसके ऊपर हम अपना ओपिनियन लोग कह रहे हैं हम डीएम लोगों ने कहा बात करें तो देख लेते हैं दे लेते हैं उसके ऊपर भी और एक और टॉपिक जिसके ऊपर लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया कि हम उसके ऊपर भी बात करें हाईलाइट करें वो है जी रेशम जब आई समी खान पे, आ... समी खान और जुगुन के रमजान ट्रांसमिशन पे ऑन पीटीवी ऑन पीटीवी और वहां पे उन्होंने कहा जी कि डिप्रेशन मेरे ख्याल में एग्जिस्ट नहीं करता ये अल्लाह से दूरी का नाम है इसको डिप्रेशन जी मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स पे बात करने से पहले ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी ट्रिगर वार्निंग देना चाहिए ठीक है मैं भी यही हूँ आमना भी यही है और बातों का सिलसिला जारी रखते हैं एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद लेकिन बहुत अच्छा होगा मैं आपको नहीं कहा इसलिए आज कहूँगा जैसा कि आपसे पहले पहले रिक्वेस्ट किया करते थे अपने टाइटल ब्रेक पे जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें उसे हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है मैं और आमना यहीं आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद जी आमना जी हसन आपने अच्छा किया सब्सक्रिप्शन मांग के लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें छोटा सा मुझे लगता है रूल एक बनाना पड़ेगा कि जो हम ऑन द स्पॉट पे क्वेश्चंस लेते हैं ना वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए हाँ आई थिंक आ, जा, आ जाता है आ जाता है हमें भी करना पड़ेगा बिकॉज मैंने अभी एक फैशन फोर्ट नाइटली की वीडियो अपलोड की सोलो जो मेरा होता है उसमें मैंने आज कामना करके कहा कि भाई लोग पूछें सवाल जो मैं जवाब उनके अगले एपिसोड में दे दूंगी

जी आ, तो हमारे सब्जेक्ट्स हैं आज चार जावेद इकबाल से जावेद इकबाल से शुरू कर जी. लेते हैं ये मैंने खबर मेरी नजरों से गुजरी जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जावेद इकबाल को री सबमिट किया जा रहा है सेंसस के सेंसस में और फिर उसको री रिलीज री रिलीज क्या फाइनली रिलीज किया जाएगा बट विद अ डिफरेंट टाइटल कुकड़ी तो जब मैंने इसका डिप डिग डीप के मैंने ऐसे छलांग लगाई अच्छा ये सब चीज़ मैंने उससे नहीं गुजरी थी नहीं गुजरी हाँ, हाँ तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात लगी तो पता ये चला कि जी अबू अलिया के कोर्ट्स भी थे डॉन इमेजेस ने भी आर्टिकल किया एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी की उन्होंने बात की अबूलिया के कोर्ट्स थे उनके पास तो अबूलिया ने कहा कि जी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एंड ब्रॉडकास्टिंग से बातचीत हुई है और जो फेडरल सेंसर बोर्ड है उनसे भी डिस्कशन हुई है तो उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई आप इसमें एक तो ये है कि आप इसका नाम चेंज करें क्योंकि जावेद इकबाल नाम से ऐसा लग रहा था ऐसा इंप्रेशन जा रहा था कि आप जावेद इकबाल को ग्लोरिफाई हैं नंबर वन नंबर टू जो कुकड़ी नाम रखा गया ये एक्चुअली जावेद इकबाल का उनका एक निक नेम था hmm. उसके जो थे दोस्त वो कुकड़ी कहते थे इन रेफरेंस टू द वे दैट ही यूज्ड टू सिट

उस रेफरेंस से ये नाम, नाम टाइटल है दूसरा जी उन्होंने कहा कि इट्स नॉट सो मच अबाउट एडिटिंग स्टफ आउट बट मेकिंग एडिशंस टू द फिल्म तो जो फिल्म जो थी वो 90 टू नाइन्टी फाइव मिनट्स की थी पहले नब्बे से पचानवे मिनट की फिल्म थी उसमें दस पंद्रह मिनट ऐड किए जा रहे हैं जो कि जो सेंसर बोर्ड की तरफ से कहा गया कि भाई आप इसमें फिल्म के एंड में अपना कोई मैसेज ऐड करें कोई अपना पर्सपेक्टिव ये शेयर करें कि आपका फिल्म बनाने का मकसद क्या था ताकि लोगों को ये ना लगे कि जावेद इकबाल को ग्लोरीफाई किया जा रहा है तो अब जो है वो सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही उसमें दस पंद्रह मिनट ऐड करके इसको रिसबमिट किया जा रहा है सेंसस को और कुकड़ी के नाम से हो सकता है कि ईद उल फितर और ईद अजह के बीच में अब ये फिल्म फाइनली जो है वो रिलीज और ये मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इन्फॉर्मेशन ने किया है

एक प्रेमियर हुआ था प्रीमियर हो गया था रांची में प्रीमियर exactly. हुआ था उसके बाद वो बैन हो गई थी हाँ. उसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट वापस ले लिया हाँ. तो अब बोले ना यही कहा कि वो सबको पता है कि वो क्या हुआ था किस तरह में सर्टिफिकेट इशू करके वापस ले लिया गया था आई अंडरस्टैंड अब बोले पॉइंट ऑफ व्यू के अभी वो कुछ भी कर लेंगे ताकि उनकी फिल्म चल जाए अब बोले फॉर दोस डायरेक्टर फिल्म रिलीज

ये ये गोल exactly, है। अब आप मुझे बात बताएं। पूरी दुनिया में फिल्में बनती है, बनती है। आपका जो होता है आप उस फिल्म के जरिए पहुंचा देते हैं लोगों तक अब yeah. वो व्यूवर की इंटरप्रिटेशन होती है आप क्या इस तो अब इसमें वो कह रहे हैं कि आप एक एंड में ऐड करें स्पेशली अपना आपने क्रिएटिव प्रोसेस तो तबाह कर दिया होगा उसमें आप सोचिए एक सोचे हुआ एक पीस हो उसमें आप कहेंगे ये चीजें और डाल दो

के बारे में था एब्सोल्युटली तो ये बात तो आती है बट देन आई मीन डू ड्रॉ द लाइन यू ड्रॉ द लाइन दे डोंट सी ऑन वे डॉट सीजनो इट सो बिजार फिल्म जो चल रही है जहां लोगों ने पैसे दे के जाने हैं जो कम लोग देखेंगे उस पर इतनी बंदिशें लग जाती हैं टेलीविजन पर जो चल रहा है वो इनको नजर नहीं आता

तो किसी ने देख के या अगर मल्टीपल लोगों ने देख के कहा है कि जी ग्लोरीफाई हो रहा है बंदा और उसको आप रेक्टिफाई करने के लिए कोई चीज करें तो आई डोंट नो बट देन अगेन वो सेंसर से पास हो गई भी थी फिर yeah, तो, exactly तो अगर सबको लग रहा था कि ग्लोरीफाई हो रहा है तो फिर सेंसर से भी ना पास होती फिर सब यूनानिमसली कहते नहीं की जी एक बंदा हमें लग रहा है कि जी ग्लोरीफाई किया जा रहा है एक बंदे को आप इसको फिक्स करके एडिट करके चेंज करें है। ये मेरा है। मेरा पॉइंट पॉइंट है तो खैर उस हद तक भी जाता है कि अगर एक कॉन्टेंट क्रिएटर है एक डायरेक्टर एक राइटर एक ग्लोरीफाई भी करना चाह रहा है तो ही शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ नहीं हाँ आपने भी और हमने अक्सर ये बात डिस्कस की है कि देर आर सर्टन पॉइंट्स वेयर यू ड्रॉ द लाइन लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पी फाइल है उसके ऊपर कोई फिल्म बन रही है

नहीं बहुत प्रॉब्लम्स हैं बहुत प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में हाँ, और स्पेशली और थोड़ा सा आप ना इसमें इस बात का भी आई थिंक एक आता है कंपेयर टू लाइक यू नो एंड इट्स नॉट लाइक ए वेस्टर्न सोसाइटी में क्राइम नहीं होता ऑफ कोर्स वहां पे भी होता है हर जगह होता है बट वहाँ पे रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ थोड़ा बेहतर है हुँ. यहाँ पे तो रूल ऑफ लॉ की बहुत हद तक

के लिए वो रिलीज कर देंगे जी। सो so, uh, एक फिल्म जो कि हमने देखी नहीं उसका ऑलरेडी सीक्वल अनाउंस हुआ है, तो वुड लव टू वॉच दैट फिल्म एंड फिर जब अगर कभी मौका मिला रिलीज होगी

आप सोचें कभी कोई ऐसा बायोपिक बने जिस पे पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड हो hmm. किसी पॉलिटिशियन का बायोपिक बनना हो hmm. उसको आधे लोग कहेंगे ग्लोरिफाई हो रहा है आधे लोग कहेंगे नहीं यू hmm. नो Haan. इस लाइट में दिखा रहे हैं आधे लोग कहेंगे ओहो इस लाइट में दिखाया सो आई जस्ट फील दैट जब कंटेंट क्रिएट हो रहा होता है उसको बनने देना चाहिए यार लोगों में वो टॉलरेंस आनी चाहिए बट दिस इज मल्टीफैसेटेड जावेद इकबाल टू किलिंग 100 बॉयज यस इन लाहौर इन देन ही सेड देयर वर मेनी मोर हां और इस फिर ही अपेरेंटली गॉट इन टच विद द पुलिस और उनको कुछ ही वुड सेंड एविडेंस आल्सो समथिंग एविडेंसो समाइन तो, 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 तो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा अच्छा मेरे पास कुछ और भी इससे जुड़ी बातें हैं फिल्म से जुड़ी द फिल्म हैज ऑलरेडी हैड अ वर्ल्ड प्रेमियर एट अ के फिल्म फेस्टिवल एंड हैज़ ऑल्सो बीन सिलेक्टेड फॉर द बर्लिन इंटरनेशनल आर्ट फिल्म फेस्टिवल तो फेस्टिवल्स पे ये जो फिल्म है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती रही है तो 2021 की अक्टूबर में इसने आना था फिर दिसंबर 2021 पे चली पे फिर ये जनवरी 2022 में फाइनली कराची का प्रेमर हुआ और उसके बाद फिर ये रुक गई फिल्म जी तो लेट्स लेट्स से। लेट से। जी। सेकंड टॉपिक आमना। जी हसन। किससे शुरू? फिरोज खान और मुनीब मुनी जी।, जी दो दिन पहले गालिबा दोनों मुनीब भट्ट और फिरोज खान ने अपने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ शेयर किए पोस्ट जी मैं एक आपको और एक तस्वीर एक तस्वीर तस्वीर जो थी वो फिरोज खान साहब की और मुनीब भट्ट साहब की थी विद साहेबजादा सुल्तान साहब फिरोज खान के शेख हैं जी और उस स्टेटमेंट उस तस्वीर के साथ सुल्तान साहब फिरोज और मुनीब और उसमें फिरोज ने ये लिखा था मेरे और मुनीब बट की फैमिली के दरमियान जो भी मामला हुआ इसको अपने बड़ों की रहनुमाई से हमने ख़त्म करने का फ़ैसला किया और आइंदा एक फैमिली की तरह भामी एहतराम व मोहब्बत का ताल्लुक कायम रखेंगे इन शाह और ये उर्दू में दोनों ने लिखा ये भी एक बड़ी मुझे बात लगी कि दोनों के जो भी कैप्शन थे वो उर्दू में थे सिमिलरली मुनीब भट्ट का भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ उन्होंने भी पोस्ट किया और उन्होंने सिमिलर कैप्शन लिखा, लिखा, बल्कि सेम उन्होंने कहा सिर्फ फिरोज का का। नाम इंटरचेंज हो गया मुनीब ठीक है, कैप्शन था। मेरा, मेरी फैमिली और फिरोज खान का जो भी मामला हुआ इसको अपने बड़ों की रहनमाय से हमने खत्म करने का फैसला किया और आइंदा एक फैमिली की तरह बामी एहतराम कालुकायम रहती है, है। दोनों ने ये कैप्शन खुद नहीं लिखे से बात क्यों किसी ने लिख के दिया है नाम इंसर्ट नेम करके और नाम डाल के कर दिया बहरहाल उसके बाद आते हैं जी, जी उसके है। उसके बाद जी फिरोज ने एक और स्टेटमेंट जो है अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की और उसका कैप्शन था स्टेटमेंट ठीक है और स्टेटमेंट ये थी ऑन सेवनटीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री लीगल नोटिस ऑफ डेफिमेशन ब्रैकेट्स में ड्राफ्टेड बाई माई प्रीवियस लीगल टीम वॉज पोस्टेड फ्रॉम माई इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की स्पेलिंग थोड़ी से गलत है सम हाउ आई फेल टू नोटिस दट द सेट नोटिस कंटेन पर्सनल डिटेल्सिप इंक्लूडिंग विद इन हाउ एवर इट इट हैज नाउ कम टू माई नॉलेज दैट एजल्ट फोर सेट नोटिस द प्रिसी ऑफ माई फेलो कॉलीग्स वॉज वायलेटेड एज एन एक्टर आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवसी एंड वैल्यू इट द मोस्ट आई नेवर इंटेंडेड एनिमन पीस बी डिस्टर्बड

Or Unan I Munibat and family hereby state that to give us pain and mental distress wasn't FK's intention. Hmm. It was a mistake. I announced to drop all the charges. Honourable Judiciary is still hearing Firoz Khan and Sayeda Alize's case. We have full faith in our judicial system. The verdict in the, the verdict court will give okay. We have full faith in our judicial system. The verdict court will give. We will stand by that it's their private matter and everyone should respect their privacy and restrain from commenting. Hmm. Not only that. Gee. Oh. Minal, Ahsan, Mohsin Ikram and Iman. They all posted the following statement on their Instagram stories. And it said statement. No, it oh. was just this statement okay. posted on all three accounts. Same statement. To give pain and mental distress wasn't Feroz Khan's intention, it was a mistake. Honorable judiciary is still hearing Feroz Khan and sayeda Aliza's case. We have full faith in our judicial system. The verdict court will give, we will stand by that it's their private matter and everyone should respect their privacy and restrain from commenting. जी. Same statement that Muni posted. जी. Apart from the fact that, you you to I, to that I didn't put name. What should I say? I you that Feroz's statement not suddenly I realized.

जी। तो मैं नॉट माय इंटेंशन मैंने वैसे डिलीट कर दिया था सिमिलरली एम एन मिनाल मुनीब एसन उन सब ने भी एक स्टेटमेंट लिखा कि जी फिरोज की इंटेंशन नहीं थी है। आप पता है क्या चक्कर हुआ है चक्कर ये हुआ कि आपको पता है कि सबके फैंस होते हैं फिरोज के भी एक उनकी बहुत स्ट्रॉग एक उनकी फैन फॉलोइंग है दूसरी तरफ जो है वो लोग जो कहते हैं कि जी फिरोज के ऊपर जो जो, जो, जो है, हैं, वो बड़ी हैं, है वो बड़ी सीरियस की है है वो बड़ी सीरियस नोयत है तो भाई तो अब जो एक साइड है फिरोज वाली वो ये कह रहे हैं कि देखा इनको माफी मांगनी पड़ गई है एमन, मिनाल और मुनीब और इन सब लोगों को तो फिरोज स्टैंडेटेड एक ये ओपिनियन है तो दूसरी तरफ ओपिनियन ये है कि भाई कि ये एमन मिनाल जो है इन लोगों ने पहले जो है ये गवर्नमेंट ये बिक गई है हाँ तो हा, ये हा, अब ये क्या हुआ और ये इन्होंने क्यों स्टेटमेंट अपनी वापस ले ली तो पहले इनको ये बात नहीं करनी चाहिए देखिए अगर हम आइसोलेशन में देखें सिर्फ देखे और दूसरा सॉरी एक बात दूसरी बात यह है कि जी अब ये भी एक परस्पेक्टिव है कि जी फिरोज ने फाइनली रियलाइज कर लिया कि उनसे गलती हो गई थी जो एक शुरू में एक ये था कि जी फिरोज जो है वो नहीं माफी मांग रहे अब फिरोज ने माफी मांग लिया कि जी मेरे से गलती हो गई थी मुझे नंबर्स नहीं लीक करने चाहिए थे वो भी एक रिस्पेक्ट अच्छा बात है कि जब फ़िरोजन नंबर्स लीक किए थे उसकी कितनी देर बाद उन्होंने वो पोस्ट हटा दी थी आई थिंक उन्होंने फॉरन मिनट विद इन मिनट्स उन्होंने डिलीट कर दी थी अब अगर सिर्फ इस सिचुएशन को हम आइसोलेशन में देखें तो उनसे गलती हुई उन्होंने वो पोस्ट लगाई विद इन मिनट्स उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी और दो महीने बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली और अपने फेलो आर्टिस्ट के साथ सुलह कर ली या एक एमियबल थोड़ी सी रिलेशनशिप कर ली इसमें कोई आंश नहीं है

Yeah, and, I'm and, and, I'm, and, and, if any of my colleagues had to go through any inconvenience, i am deeply sorry for that. so he's yeah. apologized. Yeah. I'm sorry. Get, you know, okay, this, but why silly. didn't he do it then? Huh? why didn't he do it then? yeah, i feel that he's just got very wrong advices around him. and he's changed his legal team, which he said himself. and i just feel that initially in his case he's been given the very wrong advice. Um, and he's been very quiet for the last two, three months, which is good.

A frivolous mm -hmm. and def defamatory allegations which you had leveled without making any mm -hmm. inquiry whatsoever. The Honorable Sessions Court of District South Karachi has summoned you to appear and submit your response. Let's hope you do your homework properly this time. Inshallah, the truth will prevail. One who levels allegations without any proof is doomed in this world and s and so also in the uh, world hereafter. But that's that's a very responsibly written statement. Mayna, this is not an outrage. Ab obviously, you don't pay allegations. अपनी इंडस्ट्री ने भी लगाई हैं तो वो उसके ये तो चलेगा अभी आजकल तरावी में इमाम साहब जिक्र करते हैं कुरान पाक में जो भी सूरतें हैं जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनका ब्रीफली बताते थे तो उस दिन बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी आ, जब भी ना मियाँ बीवी के बीच में इस अख्तलाफ रिश्ता ख़त्म होने लग लगता है तो जो बड़े होते हैं उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कोई उनसे हेल्प मांगे या ना मांगे कि वो इसमें बीच में डाले और इसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करे डिस्प्यूट को क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि कोई भी कभी भी रिश्ता खत्म होने आखिरी हद तक ये कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी कोई रिश्ता खत्म ना हो बच जाए बच जाए तो अब बात यह है कि फिरोज और अलीजे के केस में मुझे नहीं पता कि बड़ों की कितनी इनपुट थी उन्होंने कितना इसको किया दूसरा अलीजे की तरफ से इल्जाम बड़े सीरियस नोत वो डोमेस्टिक वायलेंस के तो अब इस सिनेरियो में तो मेरा नहीं ख्याल के मतलब फिर मजहब भी कहता है कि अगर कोई इस तरह के सिचुएशन हो खुदा ना खास का तो फिर उसमें आप उसमें रहें तो उसमें, क्योंकि मजहब ने एट द एंड ऑफ द डे औरत को ये हक दिया है कि वो उस रिश्ते से ये ना भी हो फिर भी वो उसको उसको छोड़ने औरत को हक दिया है तो अब ये कितने सीरियस नोयत के थे मामला के जहाँ पे बड़ों की राय मायने रखती थी या उनकी एडवाइस या उनका इसको रिजॉल्व करना मैटर को कितना इंपॉर्टेंट हो सकता था ये हमें नहीं पता लेकिन एक बात का हमें जरूर पता है कि अब के सिनेरियो में पोस्ट ऑल ऑफ दिस अब जो चल रहा है वहां पे हमने पिछली बार भी कहा था कि फिरोज को गाइडेंस की बहुत ऐसा लगता है ऐसा नजर आता है अपेरेंटली कि उनको जरूरत है तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर सुल्तान साहब ने अ फिरोज को बिठा के समझाई चीजें और अब जैसे आप कह रही है कि क्लियरली ये फर्क पड़ रहा है तो ये अच्छी बात है देखिए दो बातें हैं पहली बात तो ये है कि किसी के घर में क्या हो रहा है कोई तीसरा बंदा बता नहीं सकता नो बडी कैन से आपके एलिगेशन सही हैं या गलत हैं यू हैव टू टेक दिज एलिगेशन सीरियसली राइट अनटिल राइटिल्रूवन अदरवाइज दिज आर रियली सीरियस एलिगेशन सेकेंड थिंग इज आई हैव नो ट्रस्ट इन द जुडिशल सिस्टम हमारे केसेज जो हैं वो साला साल साल ड्रैग होते हैं औरतों को तो खास तौर पर बहुत ही कम जस्टिस मिलता है इट्स इट्स अ वेरी प्रो मैन सोसाइटी एंड अ वेरी प्रो मैन सिस्टम सो आई डोंट ट्रस्ट द सिस्टम मुनी भट्ट ने कहा है वी हैव फुल फेथ इन आर जुडिशरी वी एक्चुअली डोंट सो इसका क्या आउटकम निकलता है लेकिन जो भी आउटकम निकलेगा यू हैव टू रिस्पेक्ट इट राइट जो भी निकलेगा द पॉइंट इज के

They will try and make amends. There are so many actors I have spoken to over the last two months. initial outrage But then at the end of the day, we don't want to be responsible if if he goes through some mental health issues or, you know, if he breaks down. We don't want to and you know, we'd rather just be neutral about it. Hmm. A lot of people just want to be neutral. They don't want to take sides. Hmm. Because we don't have the information. Nobody can. ठीक है बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं ऑब्वियसली किसी ने कोई इंटरमीडिये देखें इस तरह के मामले में मुझे खुशी इस बात की है कि देर इज समयर जो के जो शुरू में इनिशियल एक फिरोज की तरफ से चीज़ें आ रही थी हमारे कंसर्न थे यार की यू नो क्या हो है तो खुशी की बात यह है कि देर समय हु फिरोज इज लिस्निंग टू

और अगर आपका बच्चा और उसकी बहू डिवोर्स करना चाह रहे हैं विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन एज एन यू वुड सिट डाउन एंड टॉक टू देम भाई सब कुछ ठीक जा रहा क्यों कर रहे हो हाँ। तो या अगर कोई हाँ। तो बताओ है और शायद किया भी हो उन्होंने बट अब हो रहा है तो ये अच्छा बड़ों का होना बड़ों का बीच में डलना बड़ों का मामला को समझना बड़ों का समझाना

लिए उस वक्त भी कहा था उन्होंने कि अपोलोजाइज करें उसने अपोलोजाइज नहीं किया था नहीं आ, उससे फिर ने नोटिस क्यों भेजा था इन सब ने पहले फिरोज के ऊपर अपने अपनी स्टोरीज लगाई थी, थी हाँ। एलिगेशन लगाए थे हाँ। और सपोर्ट शो की थी अलीजे को हाँ। तो नोटिस तो इसलिए भेजा था ना हाँ। मेन मसला तो वो था ना exactly. तो मेन मसला भी है कि अब जब आपने ये कह दिया हाँ। जुडिशरी और आ, हम जो है नहीं 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 बड़ा क्लियर है ये कह ही रहे जुडिशरी फैसला करेगी हम करेंगे साथ में उन्होंने कहा कि ये इनका प्राइवेट मैटर है

तो तो, तो 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 थे उनसे ने पूछा सवाल जवाब खाना था उन्होंने पूरी बात की कि जो उनके घर में धमाका हुआ था उस पर कौन कौन जख्मी हुआ क्या हुआ पहले उन्होंने काफी सारी गप्पे उन्होंने फिर उन्होंने कहा चले अब बौच की तरफ चलते हैं वहां पे खाना बकरा था आप वो बैठी हो तो वहां पे उन्होंने पूछा जी की आप

तो उन्होंने कहा ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की घर की घर फिर उन्होंने एकदम नहीं बोला घर की खातन कहना वो यही चाह रहे थे घर की खातन बट उन्होंने कहा कि फिर घर जब कोई खाना बनाता है तो फिर वो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है तो घर की माए बहने बीवियां जब घर का जो हाँ खाना बनाएगी तो राबे आलम ने आगे से कहा या भाई हाँ। या भाई हाँ। 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 तो उन्होंने जो थे साथ बैठे हुए साहब उन्होंने भी कहा हाँ या भाई क्योंकि आलम लोग क्योंकि अब बहुत सारे जो है वो मर्द हजरात भी खाना बनाते हैं उनको भी शौक होता है उनको बनाना चाहिए जो घर की माँ बहन वाइफ जो डिलीवर भाई, भाई, भाई भाई हाँ, भाई। भाई। अच्छा खाना बनाते हैं तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन में तो क्या कहना चाहिए उनके घर का निज़ाम है कि उनके घर में औरतें खाना बनाती हैं और नहीं वो आज सॉरी एक और हाँ। बात हाँ। है फिर उन्होंने कहा हमारी एक है खाना बनाए तो इसमें सवाल सुनना चाहेंगे चीज में मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमारी जद्दी पुश्ती जो ख़वान थी घरों की हमारी नानियाँ और दादियाँ उन पर ये बहुत ये एक सिस्टम ऐसा था इतना ज़्यादा दे वो सो मच क्या कहते हैं इतनी शोवरिज्म थी कि इनग्रेन था उनकी साइकी में कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने इसके आगे नहीं सोचना ही नहीं है इसके आगे दे हैड नो चॉइस दे डेंट इवन नो दैट दे हैड अ चॉइस एंड दे एम्ब्रेस्ड इट होल हार्टेडली और उनकी ज़िंदगी का ये होता था कि अच्छे खाने बनाना विच इज़ फाइन बट द थिंग इज़ दैट वुमेन वॉन्ट टू डू अलॉट मोर एंड देर केपेबल ऑफ डूइंग अलॉट मोर एंड दे शूड हैव देट चॉइस अगर एक औरत की चॉइस है कि मैंने घर पर खाना अच्छा बनाना है आई वुड से बाई ऑल मीन्स डू इट्स मगर अगर एक औरत जो है जिसका एक करियर है जिसका एक खाब हाँ है उसको आप कहेंगे यार ये सब कुछ छोड़ के तुम आप खाना बनाओ क्योंकि हमारे घर का रूल है कि हमारे कुक और शेफ़ नहीं होते और तुमने खाना बनाना है वो जाती है

मैं अप, अपनी अगर मैं yeah. तो वी वी इन हाउस वेयर हैड कुक्स तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी वालदा के ऊपर प्रेशर है कि जी उन्होंने खाना बनाना ही बनाना है और अब्बा ने भी बोला है कि नहीं जी हमारे घर में कुक नहीं हो सकता तो अम्मा ने जब हम बड़े हो रहे थे अम्मा ने ही हमें खिलाना ऑब्वियसली माए जो खिलाती है वो तो अम्मा खिलाती रही हैं हमें और माशाल्लाह उन्होंने खिलाया और बहुत काम किया बट इट अलहदुल्ला बिकॉज वी वर वीविलिस्ड वी ऑल्सो हैड कुक्स तो खाना बनाते थे तो हमने तो कुक के हाथ का बहुत खाना खाया hmm. वो, अब जब हमारिया हमारी, हमारी शादियां होंगी सब कुछ आ गई अगेन इट वाज नेवर द केस के यार के हमने बोला हो, मेरे मैंने या मेरे भाइयों ने कहा यार के नहीं, नहीं हमारे घर का रूल है hmm. कि हमारी जो बीवियां उन्होंने खाना बनाना है इट इज कंप्लीटली देयर चॉइस इफ संकट दे शुड कुक इफ दे डोंट वांट टू कुक देयर आर कुक्स यू आर प्रिविलेज्ड अल्लाह ने अगर आपको दिया है yeah. इतने रिसोर्सेज uh, हैं तो कुक्स विल कुक

It's It's her choice. It's her choice. choice. Yeah. Then we nobody's to say. Absolutely. So, Absolutely. Ab, again, mm -hmm. जैसे फिरोज और अभी हम पिछली बात रहे थे हमें नहीं पता कि एमन और की आपस में क्या है रूल as, as <laughs> ये आप कहेंगे आपने भी? बड़ी आपने सॉरी आप आपने जो बताया न की इसका जो जो शुरुआत है एक जमाने में ये चॉइस नहीं थी ये एक असल में रूल था भैया की औरतों ने खाना बनाना है मर्दों ने काम करना है मतलब है कि हमारे घर में ये मिसालें दी जाती हैं कि हमारी जो नानी थी या दादी थी वो खाना नहीं खाती थी जब तक नाना हाँ। खाना नहीं खा लेते थे और ये बड़े रोमेंटिस की जाती थी बातें और मेरा स्टार्टेड क्वेश्चन है ऐसे इसमें अच्छी बात क्या है कि एक औरत है वो सुबह से पका रही है खाना और उसका मियाद दफ्तर से नहीं आ रहा दो बज रहे हैं लेट हो रहा है तीन बज रहे हैं चार बज रहे हैं वो जब आएगा तो वो खाएगा और उसके बाद वो खाएगी हाउ इज आर ए गुड थिंग और अभी जो आपने ईद का मंजर अभी <laughs> जो आपने दो हफ्ते पहले ईद का मंजर हमें बताया था जो कि इन भी दो तीन अफ्ट, तीन हफ्तों में जो है जी हर घर की कहानी होगा जरूर हाँ. तो, जिससे मेरी अम्मी जो है उनको अब वो काम नहीं वर्क एनी घर में और हमारे घर में खाना बहुत जरूरी समझा जाता है खाना अगर सब स्टैंडर्ड है तो वी आर ऑल फूडीज इन द हाउस लाइक एवरीबडी अगर दाल भी बननी है ना तो उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो दाल ना समझें आप उसको वो नेक्स्ट hmm. लेवल ही होती है hmm. तो उनका ये होता है कि यार आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर माई फोकस इज नाउ ऑन द किचन तो वो जो कलेजी गुर्दा बनना है उसमें अगर पानी का छिट्टा पड़ गया तबाह हो जाएंगे वो तबाह हो जाएंगे अगर दही भले का जो दही है उसमें खटास आ गई है तबाह हो जाएगा वो यू you नो know, hmm. दाल अगर जरा सी कल की दाल तो आप सिर्फ नाश्ते पे खा सकते हैं खाने परिस इज द जॉय ऑफ माई लाइफ अब उन्होंने ईद के खाने पर पुलाव बनाना है शी इज गोइंग टू गो एंड शी इज गोइंग टू चेक अच्छा गोस्त कहाँ से मिल रहा है फिर वो आएगा फिर सारे मसाले देखे जाएंगे कहाँ कहाँ से ये उनकी चॉइस है hmm. अगर एक औरत की चॉइस है वही जरूर करे अच्छा एक बात तो ये कि चॉइस वाली आपने बात कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह 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 जो लोग प्रिवलिज हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं डोमेस्टिक हेल्प या कुक रख लिया किसी ने जी को लोगों के पास के आर्मी ऑफ एक होती है आ, हेल्प आउट करने के लिए तो चले वो तो चॉइस एक समझ आती है वो हाउस होल्ड्स अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे आ, जो है इस तरह की आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट है एक डिविजन ऑफ लेबर का कि यार आपका जो मर्द है वो जाता है वो ऑब्वियसली जो घर के लिए खर्चा पानी इकट्ठा करना है वो बाहर जाके काम करता है और जो खुतानी है वो घर का ख्याल रखती है एक कॉन्सेप्ट है बट इवन इन दैट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो कि अपने मर्दों के बशाना जाती हैं ऐसा है, yeah. so, नहीं है कि खुतिन जो है वो सिर्फ आप उनको रिस्ट्रेन कर दें अगर आप डोमेस्टिक हेल्थ की अपनी बात कर रहे हैं या कुको mm -hmm. हम बात कर रहे हैं कौन होते हैं वो लोग कौन है वो भी तो वही लोग है ना कुछ अगर खुवात है जो आपको हेल्पआउट कर रही है जो आपके घर की मेड हैं वो काम कर रही है ना वो पहले आपका खाना पका रही है और फिर वो घर जा रही है और फिर वो अपना खाना पका रही है तो आई थिंक खातन हमारी सोसाइटी की जो है वो बहुत बहुत ज्यादा काम करती है इस सोसाइटी को जुड़े रखने में इसको इसको स्ट्रेंथ देने में और इसको चलाने में ज्यादातर हाथ खुत का होता है तो उनको रेलिगे नहीं कर देना चाहिए कि यार किचन में एक्चल इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट मोर बग कन्वर्सेशन बड़ी लंबी हो जाएगी पहली बात तो यह कि जो मुनीब ने बात की है ना दैट इज ही इज स्पीकिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज जहां आप अफोर्ड कर सकते हैं कि एक मर्द कमा रहा है और नोबडी एल्स नीड्स टू वर्क आजकल की जो महंगाई का दौर है उसमें अगर दोनों आपके ब्रेड वनर्स नहीं हैं आपका गुजारा नहीं होगा इन एन एवरेज हाउस होल्ड सो वो पूरा बैलेंस ही आउट हो जाएगा आपका और जाती है बैलेंस आउट करना फिफ्टी वन परसेंट ऑफ योर वुमेन पॉपुलेशन इज नॉट वर्किंग एज एन अर्निंग दैट्स गोइंग टू बी अ रियली डिफिकल्ट सिचुएशन दूसरी चीज़ ये है कि जो था ना कॉन्सेप्ट के माँ पकाएगी माँ के हाथ का बना हुआ खाना या उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट बॉन्डिंग का भी था कि अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है फैमिलीज़ इकट्ठे बैठे खाती नहीं है सो ऑब्वियसली वी वांट टू होल्ड ऑन टू दो कि यू नो आप खाना बनाना ये कम्युनल एक्टिविटी होती थी कि जी बच्चे बैठे खा रहे हैं माँ बाप के साथ एंड वो भी तो ख़त्म होता जा रहा है ना दैट आई थिंक इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन दैट यू रिस्पेक्ट द द फैमिली यूनिट कि एक खानदान है वो इकट्ठे बैठे खाए डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज

अगर आप उनके हलवे खा लेना आप कहेंगे ओ माय गॉड किसी हलवाई की जरूरत ही ना पड़े जिंदगी में खाने दे ना लेंदे रहते हो तुझे ना अपनी कभी कलेजी भाई मुझे हलवे नहीं बनाने आते वो लाहौर में आप के हाँ के कलेजी आपके हाथ के मुझे कलेजी आप खा लेंगे अंडे का हलवा वो अंडे का हलवा खाया आपने कभी ओ माय गॉड मैं तो सुना पहली बार अंडे मुझे बहुत पसंद है तो अंडे का हलवा अच्छा ही होगा नेक्स्ट लेवल

ओके तो यू सी फूडीज हु लव टू मेक फूड एंड देन देयर आर मेन हु लव फूड दे लव द मेन हु लव टू कुक हम बात करते थे मुर्तजा की موسی खान भाई कुक्स वंस अ वीक उनका दिन होता है कि आज ही विल कुक तो ठीक है हाँ, तो टू ईच इज ऑन टू ईच देयर बट रूल्स ऐसे इंफोर्स नहीं होने चाहिए किसी Inforced पे इंफोर्सड जी गॉड वी गॉट सो कैर्रीड अवे विद दैट फूड डिस्कशन जी आमना जी हसन फाइनल टॉपिक जी रेशम जी ट्रिगर वार्निंग ट्रिगर वार्निंग रेशम जी आए जी जुगन और समी की अवतार ट्रांसमिशन में आए। और पहले तो जुगन ने उनका बड़ा जबरदस्त वेलकम किया उनका तारुफ कराया उन्होंने कहा जी कि मैंने एक बार किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो उसको खून की जरूरत थी तो सब लोग इकट्ठा हुए हुए थे किसी गैदरिंग को इवेंट टाइप था तो मैंने सबको मैसेज भेजा कि बच्चे को खून की जरूरत है तो वो जिनको मैसेज गया था उनमें से तो कोई नहीं गया लेकिन रेशम जी वहाँ पे थी उनको मैसेज भेजा नहीं था लेकिन वो चली गई वहां पे जी। और जाके उन्होंने खून का अतिया दिया और वो किया बात है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि रेशम जी बाकायदगी के साथ खुद अपने हाथों से लंगर बनाती हैं देखते हैं और वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और बहुत सारा वो चैरिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं चैरिटी वर्क करती हैं रेशम जी ने ख़ुद भी बताया कि रमज़ान में अब्दुल्ला कादवानी साहब और लोगों के दोस्तों के साथ मिल के वो जकवात मिला के तो बहुत सारे जो घरान हैं उनका ख्याल रखती हैं उन तक चैरिटी जक़ुत पहुँचाती हैं माशा तो रेशम जी बहुत काम इस तरह के करती हैं चैरिटेबल फिलंथ्रॉपिक काम करती हैं तो इसी पूरी जो डिस्कशन एक चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जुगुन जो है उनका बड़ा गहरा एक ताल्लुक है दोस्ती का रिश्ता है रेशम से उनकी सिस्टर से रेशम की सिस्टर से तो बहुत तारीफें करी थी डॉट कर रही थी मैं तो कह रही थी तो इसी उसमें एक पॉइंट आया समी ने जहाँ पे मेंशन किया कि उन अपनी कॉन्वर्सेशन को रेफर करते हुए कि हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी डिप्रेशन को लेकर तो आजकल हम सुनते हैं कि यार के बड़ा डिप्रेशन हो गया है तो समी ने ही कहा कि एक्चुअली जो मुश्किल हैं वो अल्लाह से दूरी की वजह से जो इंसान को मुश्किल हो जाती हैं तो लोग कहते हैं कि आजकल बड़ा डिप्रेशन है तो आप क्या कहना चाहेंगे तो रेशम जी ने आगे से कहा कि मैं तो ये समझती हूँ कि डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता डिप्रेशन अल्लाह से दूरी का नाम है और अगर आप मैं जो हूँ बिन माँ बाप की बच्ची हूँ पली बड़ी हूँ बहन ने मुझे पाला है तो मैं भी जब भी कभी माँ बाप को मिस करती थी तो मैं अल्लाह से अपना रब्ता बनाती थी और अगर आप कभी भी डिप्रेस फील करें तो आप अल्लाह मियाँ से अपना ताल्लुक बेहतर बनाए तो सभी ने फिर आगे से कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये कहा है कि अल्लाह के जिक्र में दिल का सुकून है चुभा तो अल्लाह का जितना जिक्र करें अल्लाह के साथ अपनी जितनी कुर्बत आपकी होगी आप उतना सुकून में लेंगे ये बात यहाँ पर ख़त्म होगी उसके बाद उनका पोस्ट चला बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किए उन्होंने कहा जी ये आप कैसे कह रहे हैं कि डिप्रेशन रियल नहीं है डिप्रेशन तो एग्जिस्ट करता है तो फिर रेशम जी ने एक्चुअली उसके ऊपर एक और कमेंट किया जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा रेशम जी ने कहा जी कि इंसान की अपनी सोच होती है और मेरे नज़दीक हर मसले का हल अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से लगाव में है फिर चाहे वो डिप्रेशन हो या कोई और मसला शायद कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई गहरी बातें हर एक को समझ आती भी नहीं तनकीद करने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एनर्जी किसी मुस्बत चीज़ के लिए संभाल कर रखें मिसबत मीन पॉजिटिव फॉर दोनों अल्लाह आप सबको खुश रखे आमिर जी आमिर ट्रिगर वार्निंग है आपने क्या कहना चाहेंगे ट्रिगर वार्निंग ये दी है कि बड़ा ये केयरलेस स्टेटमेंट है ये कहना कि मैं डिप्रेशन कोई चीज़ ही नहीं होती दिस पार्ट आई थिंक इज़ वेरी केयरलेस जहाँ उनकी ये बात है कि हर बीमारी का हल हर मैंटल हेल्थ का हल अल्लाह के पास है ऑफकोर्स हम सब ये मानते हैं हम सब ये बात मानते हैं हम सब ये बात मानते हैं कि जहाँ हम दवा मांगते हैं वहाँ दुआ भी मांगते हैं और दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं दुआ के बग़ैर या अल्लाह की ब्लेसिंग के बगैर तो आपको सेहत नहीं मिल सकती कुछ भी नहीं मिल सकता यहाँ से यहाँ तक आप नहीं चल सकते राइट तो उसमें तो कोई इज़ नो एम्बिग्विटी इन दैट वो तो मैं मानती हूँ उनके कि भाई आप अल्लाह से मांगें देने वाला शिफा देने वाला वही है मगर ये कहना कि डिप्रेशन कोई चीज़ ही नहीं है और डिप्रेशन उन लोगों को होती है जो खुदा से दूर चले जाते हैं दैट आई थिंक इज़ वेरी इज़ अ वेरी केयरलेस स्टेटमेंट टू मेक एंड दैट्स माई ट्रिगर वार्निंग आई थिंक इट्स आई रिली एडमायर रेशम फॉर ऑल द फिलोपिक वर्क शी डज लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज़ अनफॉर्चुनेटली टोन डेफ भी हैं और थोड़े मायोपिक भी हैं ये बात इतनी केयरलेस है कहना कि जिनका दीन से ताल्लुक जो दीन से दूर होते हैं वो डिप्रेस होते हैं दैट्स नॉट ट्रू दूसरी चीज है कि मतलब अच्छा मुसलमान अगर आप जज करेंगे कि कि किसी को कि आपको डिप्रेशन है इसका मतलब है आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं और अच्छे और अच्छे मुसलमान को डिप्रेशन नहीं हो सकता है जानता हूँ मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं

I have seen people battle it and I have seen people, I have seen how distraught they have been. So it is no joke. And you need to seek medical help. You need and of course with medical treatment it gets better. Yeah. There is absolutely no denying the fact that the Allah kurbat, Allah Mia se apka taluk, आपकी ज़िंदगी में हर तरह की आसानियाँ पैदा करता है एज मुस्लिम्स ये हमारा अकीदा है ये हमारा मानना है इसमें कोई दो राय है ही नहीं yeah. डिप्रेशन की तरह और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि अल्लाह की तरफ से आती हैं आपको चैलेंजेस आते हैं आपको मुश्किल आती हैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से आपको राहतें भी आती हैं सुकून भी मिलता है अल्लाह की तरफ से आपको चैलेंजेस भी आते हैं तो कोविड आया इतना बड़ी है अच्छा दस सकते आप आप है हाँ? शुरू, शुरू हाँ. हाँ. धर्म भरम हो गया और तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा यार अल्ला की अल्लाह की तरफ से आती है नो डाउट आती हाँ. है लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने वो अदीस कोट की जहाँ पे जब वबा फैली थी तो यू नो ये डॉक्यूमेंटेड है कहा कि यार दूर रहो उस जगह से जहाँ पे वबा फैली है बिल्कुल तो आपने अपने जो चीज़ें होती हैं साइंस ने तरक्की की है साइंस ने जो सारी चीज़ें की हैं आप सबको अंडर तो नहीं कर सकते ना आप बोले यार्ट करती नहीं करता नहीं करता तो वो तो बात उन्होंने गलत की उनको नहीं करनी चाहिए थी और फिर उस बात पर दोबारा स्ट्रेस करना कि आप मेरा आप मेरी गहरी बात को नहीं समझे आई थिंक ये ज़्यादा एक डेंजरस बात है क्योंकि अल्लाह मिया से अब आपने बिल्कुल सही बात की यार कि अगर किसी को डिप्रेशन है और वो नमाज भी पढ़ रहा है तो खुदा ना खासा नाउज बिल्ला हम क्या उससे समझें कि यार कि वो नमाज पढ़ रहा है और उसका डिप्रेशन नहीं जा रहा है। तो मतलब क्या ये बात कैसी है या अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता होता है या अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता या खुदा ना खासा जैसे आपने बात की डिप्रेस है तो क्या अच्छा मुसलमान वही ना एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये बहुत सारी चीजें तो खुदा की है। जो भी एक निज़ाम है उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम नहीं समझ सकते और अल्लाह लाइन के हम नहीं समझ सकते? अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे जो गैर मुस्लिम हजरात हैं, है हैं, खुतिन हैं, मर्दे हैं वो खुशी की जो हाँ, इग्नोस्टिक मतलब है कि वो, वो, उनको तो फिर सबको पागल होना चाहिए नहीं ये बहुत मैंने वही कहा ना कि ये बहुत केयरलेस और बहुत माओपिक स्टेटमेंट थी और फिर उसको आपने कहा कि उन्होंने री एनफोर्स भी किया लोगों को गहरी बात गहरी बात समझ नहीं आई नहीं मेरे ख्याल है रेशम को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि उनकी स्टेटमेंट गलत थी बिल्कुल दूसरा आप ना मुझे <coughs> ऐसा लगता है कि जो हमारा दीन है हमारा मज़हब है बहुत बड़ी और बहुत कीमती चीज़ है मुझे लगता है कि इस तरह की बात करके आप दीन के बारे में भी आप क्या मैं आपको एक बात बताऊं ट्रिगर वार्निंग इसलिए भी मैंने दी क्योंकि मैं बड़ा ट्रिगर हो जाती हूँ व्हेन पीपल यूज़ द रिलीजियस कार्ड एंड इट हैपन सो मच एंड मोर सो इन रमज़ान कि अब आपके रमज़ान का देखें आप मुनी बट वाला शो देख लें जो उस उसपे चल रहा है अब आप कुकिंग किचन कर रहे हैं वहां पे आप मैक्स का वॉशिंग लिक्विड भी बेच रहे हैं वहाँ आप तेल भी बेच रहे हैं आप आप, आप तारा की बात कर रहे 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 हैं आप हैं हैं मिजान बेच बेच एग्जैक्टली हर हर चीज चीज में कमर्शलिज्म बढ़ गई है कंज्यूमरिज्म बढ़ गई है और हर जगह यही कुछ चल रहा है और इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं रेजिस कार्ड जरूरी क्या है कि जी आपने सर पर दुपट्टा लिया हो आपने आप बिल्कुल अपने बाद से पहले अलहमदुल्ला लगाएं बाद के बाद आप अमीन लगाएं आगे पीछे नहीं आप लगा रहे रमजान में आप क्योंकि so इसलिए आपके लिए वो जरूरी हो जाता है, की, थी है। आप लोगों को एजुकेट भी तो करकेट करें यार और को। तो, कोई... तो पहले, पहले अपने आप को कर लें हाँ। लोगों को अपने हाँ। अगर आप अगर उनको लगता है कि डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर क्या मतलब उनसे पूछना नहीं चाहिए ज एंडल सभी ने सवाल किया भी ऐसे कि मुश्किल होती हैं अल्लाह से दूरी की वजह से मुश्किल पैदा होती हैं वो जो मुश्किल होती हैं वो अलग वो उनका उनका हाँ. नाम डिप्रेशन क्यों है हाँ, मेरा मकसद कहने का यही है कि ऐसे लोगों को फिर इन सेंसिटिव चीज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए हाँ. कोई कोई बंदा क्वालिफाइड कोई होगा थेरेपिस्ट हो वो बैठ के बात करे समझ भी आती है मगर ऐसे बंदा और मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा अल्लाह से दूरी की वजह से जो मुश्किल जो प्रॉब्लम है जो भी आप फेस करते हैं वो डिप्रेशन तो नहीं है ना वो तो उसका कुछ और ना उसको आप डिप्रेशन का नाम क्यों दे रहे हैं वो वो एक और मामला है और वो बड़ा एक रियल और वो एक इन इट एक बड़ा फिनल है उसको आप डिप्रेशन का नाम दे के डिप्रेशन को भी अंडरमाइन कर रहे हैं और फिर एक... नहीं नहीं आपने बिल्कुल सही कहा डिप्रेशन इज अ सीरियस डिजीज़

जिसने प्रोपरली रिसर्च की हुई है वो आके बात करे तबसा करे तो सही है यार जिस तरह आमतौर पे डिप्रेशन हम डॉक्टर्स तो नहीं है बट इतनी रिसर्च तो हम कर सकते हैं यार कि डिप्रेशन है क्या चीज इसी तरह कुछ रिलीजन के मामलाते हैं जिसपे आप सर्टन रिसर्च कर सकते हैं तो आई थिंक एक ओनेस्ट हर इंसान पे भी आता है इंडिविजुअली जाति तौर पे यार कि आप जिस बात टॉपिक के बारे में, बारे में बात करते हैं बेसिक लेवल पे तो रिसर्च करें ना उसके बारे में कोई आपको बिठा के क्वेश्चन तो नहीं फिल कराएगा कि यार डिप्रेशन की कितनी इकसाम होती है वो बताएं आप

हाँ नहीं यार ये देखें बात मुझे ऐसा लगता है आप ना थोड़ी सी फिर मैं उस जोन में जा रहा बट बात करना सही बात करना oh, भी ना नाई no, क्रिएटेड नहीं नहीं सही बात करना भी ये भी एक एक नहित है यार एक नेमत yeah. एक सही बात करना हर कोई नहीं कर सकता फैमिली so, yeah, And believe me it, it it's people who are very pious and very religious, even they can go that way because depression over like over whelms everything else and overcomes the, the... द इंडिविजल सो ये कहना कि जी आपका मजहब से दो मामला दो डिफरेंट दो दो माम चीज़ें चीज़े आप उसको भी लाइट वे में ले रहे हैं कि जो मजहब से दूर है बस वो डिप्रेस्ड है बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप बीमार हैं तो उसका मतलब है अगर यही बात अगर आप कहें अबाउट डिजीज लाइक गॉड फॉर बिट कैंसर क्योंकि आप बीमार हो गए ना इसका मतलब आप मजहब से दूर हैं डज मेक सेंस राइट बट दस एग्जैक्टली वट शी सेंग क्योंकि इट इज़ ए बीमारी वट शी सेंगे बीमारी कोई नहीं है इट्स ऑल इन द हेड इट इज अ बीमारी इट इज इन द हेड इट इज इन द हेड जब आपके सर में भी दर्द होते है तो आप कालपूल की दो गोलियां खाते हैं हां तो सर में दर्द है टैलिनॉल खाते हैं ना जी फिर ठीक हो जाता है हां लेकिन वो कह रही है ना कि सर दर्द भी आपको इसलिए कि आप खुदा से दूर हैं मकसद वही है बात वही बनती है बात, बात किसी कि बीमारी तो की, भी 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 की वजह से ट्रिगर हो रहा है आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं अल्लाह से दूरी भी एक तरह के जो भी एलिमेंट है उसको भी आप ट्रीट करते हैं उसका तरीका कुछ और डिप्रेशन वाली गोलियां अगर आप खाएंगे किसी को डिप्रेशन है तो वो नमाजी और परहेजगार तो नहीं हो जाएगा ऐसा भी हो सकता है कोई मजहब से दूर है उसको बंदा बोले यार डिप्रेशन वाली गोलियां तो उसको खिलाओ <laughs> जैनक्स खिलाओ <laughs> मुसलमान हो जाए ऐसा <laughs> हो सकता है बड़ा सिंपल हो जाए सारे जो नॉन मुस्लिम हैं उनको हम गोलियां खिलाएं डिप्रेशन की सारे <laughs> <laughs> लॉजिक तो प्रेमिस तो ये बन रही है ना यार हाँ मजाक में अल्लाह माफ कोई मतलब नहीं है बात करने का बट बात उन्होंने की हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात बात है कि वापस जाते हैं रमजान ड्रामा पे अच्छा, पर सबको वो करना है आपने हाँ नहीं मैं वापस फुल सर्कल में आ रही हूँ हाँ। ना मैंने कहा आप ही जाना सिर्फ बातें करते रहे मैं फुल सर्कल आके अब ये कहती हूँ की जी मैं अब देखूंगी फेरी टेल और हर हफ्ते में एक ड्रामा ड्रॉप कर दूंगी इस हफ्ते हमने वो ड्रॉप कर दिया तेरे आने से हाँ। अब फेरी टेल हम देख दोबारा इसको दो ड्रामे ड्रामे मैं ये कहूंगा कि चांद तारा और वो जो है ये वाला इमरान अमर वाला क्या हीरो दो तो मैं देख रहा हूँ बकायदगी के साथ फेरी टेल करके नजर आ गए तो मैं देख लूंगा मुझे मुबारकदे आपने बहुत मुबारक शुक्रिया पूछे क्यों मैंने लिखना शुरू कर दिया दोबारा

पड़ के पड़ के जैसे ज्यादा साहब पढ़ते थे हम अपने यूजल जो तीन ड्रामे है मेरे बन जाओ मुझे प्यार हुआ था और यू ही वो तो डिस्कस करो वो तो डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे चांद तारा हीर द हीरो और क्योंकि आमना जी ने कह दिया फेरी टेल oh. फेरी टेल तक हम चलेंगे आप लोगों के फीडबैक की वजह से इसलिए आपको बात पता होनी चाहिए कि आपका फीडबैक हमें बहुत अच्छा लगता है hmm. उसका बड़ा आप हमें बड़े अच्छे लगते हैं आप तो अच्छे लगते हैं आपका फीडबैक भी बड़ा असर रखता है hmm. तो फीडबैक आते रहना चाहिए आपका आने दें इस वीडियो पे भी कॉमेंट करें मैं और आमना आपसे फिर इनशाला जो मेरे को तब तक नखरा रखेगा याद रखेगा खुदाफिज